आप देख सकते हैं करनाल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैराथन दौड़ में 40 साल से ऊपर की महिलाएं भी जमकर दौड़ेंगी। ये तस्वीरें देख सकते हैं, 40 साल से ऊपर की महिलाएं भी जमकर दौड़ेंगी, जिसकी तस्वीरें देख सकते हैं। मैराथन दौड़ में करनाल में आज यह दौड़ का आयोजन किया गया है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूरी तैयारी में थी और अभी कुछ ही देर में दौड़ भी लगाएंगी। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कुछ एक लोगों से भी बातचीत करना चाहेंगे मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तैयारी कितने दिन से चल रही थी? तैयारी ऐसा नहीं, आई एम अ रेगुलर एक्सरसाइजर, सो केम। कितना जरूरी होता है रूटीन में इस तरह से एक्सरसाइज करना? इट्स वेरी नेसेसरी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वुमेन। और ये जो मैराथन किया है JCI वालों ने, इट्स अ बिग एफर्ट फॉर ऑल द लेडीज, और ये बहुत ही अच्छा है फिटनेस के लिए, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम महिलाएं तैयार हैं, क्योंकि 40 साल से ऊपर की महिलाएं भी जमकर दौड़ लगाएंगी, जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में इस मैराथन दौड़ में शामिल हुई है। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? फर्स्ट टाइम आए हैं, पहले भी आए हैं? गुड मॉर्निंग, नहीं मैं पहले नहीं आई, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, बट बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम रियली एंजॉयिंग। और ये मैराथन सिर्फ वुमेन्स के लिए नहीं है, इट मीन्स जस्ट यूनिटी स्ट्रेंथ, एवरीबॉडी इज हियर, और बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि रूटीन में इस तरह की जो एक्सरसाइज है वो करनी भी चाहिए। और आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं इस समय तैयार हैं, क्योंकि दौड़ शुरू होने वाली है। लाइन अप होते हुए आप देख सकते हैं, लाइन अप होते हुए, और कुछ ही देर में ये जो दौड़ है वो भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक अच्छा मैसेज जो है इस मैराथन दौड़ के माध्यम से दिया जा रहा है, क्योंकि फिट रहेंगे तभी जो है आगे बढ़ पाएंगे, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में इस मैराथन दौड़ में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई हैं, जिसकी तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। जमकर महिलाओं ने आज दौड़ लगाई है, और काफी महिलाएं जीती भी हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से मेडल भी मिला और सर्टिफिकेट भी मिला। क्या कुछ कहना चाहेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो आज दौड़ हुई उसमें आप जीते हैं, क्या कहना चाहेंगे? यही कि आज इंटरनेशनल वुमेन डे है, तो हमें अपना मोटिवेशन ऑन रखना चाहिए, कोई लड़की किसी से कम नहीं होती है। दौड़ने के लिए तैयार है आप देख सकते हैं महिलाएं, थर्ड रेस शुरू होने वाली है, दौड़ने के लिए तैयार हैं और जीतेंगी आप देख सकते हैं। काफी दिनों से तैयारियों में भी जुटी हुई थी, और आज आप देख सकते हैं 40 प्लस जो लेडीज हैं उनके इस समय जो मैराथन है वो शुरू होती हुई नजर आ रही है। कितने प्लस बोले? 40 प्लस। तो बिल्कुल 16 प्लस की जो रेस है वो शुरू होती हुई नजर आ रही है, जिसमें बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा 40 प्लस में महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय करनाल के करण स्टेडियम से इस समय आप देख सकते हैं। दौड़ शुरू होने वाली है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में ये दौड़ शुरू हुई है, जिसकी तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। कंचन और रिया की, सिमी बंसल, आपको तो मालूम है बिना फोटो के तो काम चलता नहीं। खबर आप देख सकते हैं, काफी महिलाओं ने, काफी लड़कियों ने, काफी बेटियों ने करनाल की इस मैराथन दौड़ में पार्टिसिपेट किया था, और आप देख सकते हैं काफी जीती भी हैं, जिन्होंने पूरी रेस खत्म किया। आप देख सकते हैं जीतने के बाद इस समय यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? एक मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में, कैसा लगा और क्या कहेंगे? मैराथन जो हुआ था JCI करनाल की तरफ से बहुत ही बढ़िया रहा, और हमने इसमें पार्टिसिपेशन किया था, और आपने भी जीता मैम, कैसा लगा आपको? सर बहुत अच्छा लगा, काफी टाइम बाद हम भागे, हमें एक मौका मिला भागने का, तो हमें बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा मैम आपको? सर बहुत अच्छा लगा, और बैंक में रहते हुए हम फिजिकल एक्टिविटी कर नहीं सकते हैं, एंड अभी हमें मौका मिला फिजिकली पार्टिसिपेट करने का। पहले तो हैप्पी वुमेन्स डे सब दिन उसको बोलना चाहूंगी, और आज भाग के बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और हेल्थ हमें मेंटेन रखनी चाहिए, तो बस बहुत अच्छा लगा। थैंक तो तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से महिलाएं दौड़ती हुई नजर आ रही हैं करनाल के करण स्टेडियम में। आप देख सकते हैं नजदीक पहुंचती हुई, जीत के नजदीक पहुंचती हुई महिलाएं किस तरह से उनका हौसला बढ़ाते हुए यहां पर लोग खड़े हैं, जिसकी तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। जीत के नजदीक पहुंचती हुई महिलाएं, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। करनाल के करण स्टेडियम से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में इस मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है, जिसमें जमकर करनाल से महिलाओं ने, बेटियों ने पार्टिसिपेट किया है। वन ग्रुप इज ऑलरेडी थ्रू अंडर 30, सतीश जी इज हैविंग ऑल द रिजल्ट्स, तो हम बहुत जल्दी आपका रिजल्ट अनाउंस करेंगे। ऑब्वियसली देयर इज अ सर्टिफिकेट फॉर एवरीवन,
तो हम आपके सर्टिफिकेट भी बहुत जल्दी से आपको बांटने लग जाएंगे। और जितने भी 30 से नीचे भागे हैं अपने आपको सारी टीम को बुला लें, बिकॉज वी आर अबाउट टू बिगिन विद द अवार्ड गिविंग सेरेमनी। नवीन जी, जेसी सीए नवीन जी, ये जेसीए करनाल के प्रधान जी कमलगढ़, स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड देन द लास्ट ग्रुप विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो वन बाय वन सबकी बारी आने वाली है। द गर्ल्स फ्रॉम 40 टू 50 आर होल्डिंग अप, दे सिटिंग पेशेंटली हियर। और इन द मीनवाइल 30 टू 40 हमारा चल चुका है और बहुत जल्दी हम तस्वीरें देखते हैं। जीत के नजदीक पहुंचती हुई महिलाएं जिसकी लाइव तस्वीरें से मैं आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सेकंड मैराथन दौड़ भी समाप्त होती हुई नजर आ रही है, महिलाओं की सेकंड मैराथन दौड़ भी समाप्त होती हुई नजर आ रही है, जिसकी तस्वीरें इस समय आप करनाल के करण स्टेडियम से आप देख रहे थे। तो तस्वीरें देख सकते हैं कुछ ही देर में इन महिलाओं में से जो महिलाएं जीती हैं उनको यहां पर अवार्ड भी किया जाएगा, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। तो हम वापस आ गए हैं, तो रेस्ट रिकन्वेट। तो आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, तो प्लीज फ्रॉम जेसीए करनाल जाहिल प्लीज ज्वाइन मी ऑन द स्टेज। जेसीए करनाल से जेसी कमलगर प्लीज ज्वाइन मी ऑन द स्टेज। अगर आपके सेक्रेटरीज आए हुए हैं तो वो आ जाए, क्योंकि लेडीज आर बिजी इन रनिंग, क्योंकि अभी उनकी बारी नहीं आई है। तो दे आर स्टिल वेटिंग फॉर द टर्न टू रन एंड सम आर ऑलरेडी रनिंग, सो वी वोंट कॉल देम बट वी विल हैव देयर रिप्रेजेंटेटिव्स अलोंग विद, हाँ जी, तीनों प्रेसिडेंट्स जेसी नवीन, जेसी वरुण, जेसी कमलकर। यार इतनी आवाज तो कम नहीं है कि आवाज आ ना रही हो आपका। इसके बाद अपना लैप पूरे 7.5 लैप भागी है, दो कदम भी बीच में नहीं चढ़ी है। यस, फॉलो विद वर्णिका गौतम मिस विद अस। लुक या, लुक या प्लीज ऑन विदेही, विदेही वी हैव, लेट फॉलो विद मोनिका कुमारी, followed with Jyoti Nagar and just come along maybe winners Sakshi and Jia, Dipali Bansal, Sakshi and Jia aapko hamesha yaadgar rahenge, and they are followed with Advita, Yashwari Gupta and Yasmin Verma. Complete kiya tha lap, haan ji, pura lap complete kiya Dipali aapne, वेरी गुड। जमकर महिलाओं ने आज दौड़ लगाई है और काफी महिलाएं जीती भी हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से मेडल भी मिला और सर्टिफिकेट भी मिला। क्या कुछ कहना चाहेंगे अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो आज दौड़ हुई उसमें आप जीते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस यही कि आज इंटरनेशनल वुमेन डे है तो हमें अपना मोटिवेशन ऑन रखना चाहिए, कोई लड़की किसी से कम नहीं होती है। काफी महिलाएं जीती है। शीथोन मैराथन पहली बार करनाल में महिला मैराथन का आयोजन किया गया था, जिसमें काफी महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया और काफी महिलाएं इसमें जीती भी हैं। आप देख सकते हैं करनाल में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैराथन दौड़ में 40 साल से ऊपर की महिलाएं भी जमकर दौड़ेंगी। ये तस्वीरें देख सकते हैं, 40 साल से ऊपर की महिलाएं भी जमकर दौड़ेंगी, जिसकी तस्वीरें देख सकते हैं। मैराथन दौड़ में करनाल में आज यह दौड़ का आयोजन किया गया है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूरी तैयारी में थी, पूरी तैयारी में थी और अभी कुछ ही देर में दौड़ भी लगाएंगी, ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कुछ एक लोगों से भी बातचीत करना चाहेंगे, मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे? तैयारी कितने दिन से चल रही थी? तैयारी एज सच नहीं, आई एम अ रेगुलर एक्सरसाइजर, सो तो कितना जरूरी होता है रूटीन में इस तरह से एक्सरसाइज करना?
इट्स वेरी नेसेसरी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वुमेन. और ये जो मैराथन किया है JCI वालों ने, इट्स अ बिग एफर्ट फॉर ऑल द लेडीज और ये बहुत ही अच्छा है फिटनेस के लिए, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम महिलाएं तैयार हैं, क्योंकि 40 साल से ऊपर की महिलाएं भी जमकर दौड़ लगाएंगी, जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में इस मैराथन दौड़ में शामिल हुई है. मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, फर्स्ट टाइम आए हैं पहले भी आए हैं? गुड मॉर्निंग, नहीं मैं पहले नहीं आई हूं, फर्स्ट टाइम आई हूं, बट बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम रियली एंजॉयिंग. और ये मैराथन सिर्फ वुमेन्स के लिए नहीं है, इट मींस जस्ट यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एवरीबॉडी इज हियर और बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू. काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि रूटीन में इस तरह की जो एक्सरसाइज है वो करनी भी चाहिए. और आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं इस समय तैयार है क्योंकि दौड़ शुरू होने वाली है. लाइन अप होते हुए आप देख सकते हैं, लाइन अप होते हुए और कुछ ही देर में ये जो दौड़ है वो भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक अच्छा मैसेज जो है इस मैराथन दौड़ के माध्यम से दिया जा रहा है, क्योंकि फिट रहेंगे तभी जो है आगे बढ़ पाएंगे, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं. के लिए तैयार है आप देख सकते हैं महिलाएं, थर्ड रेस शुरू होने वाली है, दौड़ने के लिए तैयार हैं और जीतेंगी आप देख सकते हैं. काफी दिनों से तैयारियों में भी जुटी हुई थी और आज आप देख सकते हैं 40 प्लस जो लेडीज हैं उनके इस समय जो मैराथन है वो शुरू होती हुई नजर आ रही है. कितनी प्लस बोले? 40 प्लस. तो बिल्कुल 16 प्लस की जो रेस है वो शुरू होती हुई नजर आ रही है, जिसमें बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा 40 प्लस में महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के करण स्टेडियम से इस समय आप देख सकते हैं. दौड़ शुरू होने वाली है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में ये दौड़ शुरू हुई है, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं. बिल्कुल नहीं रुकी ये, पूरे 6 लैप्स करके आई है. ताड़ियां बनती है कंचन के लिए, उन्होंने रेल बना दी बड़ी मुश्किल से. ये कहते मैं को तो 30 से नीचे लेना चाहिए था, मैं 7.5 लैप भाग सकती थी. तो आ गई है बारी कंचन और रिया की. सिमी बंसल आप तक नहीं, फॉलोड विद निधि गुप्ता, रीना गुप्ता एंड सुजीत कुमारी. आपको तो मालूम है बिना फोटो के तो काम चलता नहीं, और ये जाने वाली नहीं है बिना फोटो की, क्योंकि कल फेसबुक पे साहब कहाँ हैं आप, द फोटोग्राफ विद द कैप. अगर वो नहीं करते हैं तो सर एनीवन फ्रॉम द चैप्टर कैन डू द ऑनर्स. आ गए सर, आप यहाँ पर ही रहे, आप बहुत डिमांड. निधि गुप्ता, रीना गुप्ता एंड सुजीत कुमारी. चलिए आगे चलते हैं फिर. चारू जोशी, सलोनी बत्रा, ऋषि. Get your certificates, ladies and gentlemen. Big family. Isha, Vina Sharma.